आज प्रेस कॉन्फ्रेंस JKCLUF पार्टी के सीनियर लीडर राजकुमार गोयल की क्यादत में BSF के ख्वाहिशमंदों और यौम उजरत वालों के मसाइल को नजरअंदाज करने पर हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि हम जरूरत पर मुबाइना मुलाजमीन के यौम उजरत पर और BSF CISF के ख्वाहिशमंदों की जदोजहद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम जरूरत पड़ने पर जम्मू में भी एहतजाज करेंगे। एबीपी न्यूज के लिए हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौपान की ये रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है, हम एक कल 12 बजे प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन जो है BSF, CSF, डेली वेजर, PHI और जो बेरोजगार युवाएं हैं उनको लेके है। ये लड़ाई हमारी सरकार से है और जो ये 20-25 सालों से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, डेली वेजर के लिए कुछ नहीं कर रही, ये झूठे आश्वासन देती है और ये आंदोलन हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर यह सरकार हमारा कोई भी समाधान नहीं करती या कोई भी इशू को लेकर हल नहीं करती तो ये हम फिर लास्ट लखनपुर बॉर्डर को भी सीज करने जा रहे हैं।